अब किसी भी पल यहां से मनु भाकर निकल सकती हैं। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इतिहास रचकर पहली बार सरजमी पर, भारत की सरजमी पर, अपने देश की मिट्टी पर लौट रही हैं। और वो दो मेडल्स जो पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने जीते हैं, वो अब लेकर मनु भाकर किसी भी पल आपको तस्वीरों में दिख सकती हैं। उनके माता पिता अब से एक घंटे पहले ही जा चुके हैं अंदर उनको रिसीव करने। मनु भाकर अपने कोच जसपाल राणा के साथ आपको दिखाई देंगी। और यहाँ पर बता दें कि मनु भाकर का स्वागत यहाँ पर बारिश ने भी किया है, यानी हर तरफ से वो ढोल नगाड़ों के जो आपको आवाज सुनाई दे रही है वो सुनाई दे रही है। और ये लीजिए मनु भाकर अब किसी भी पल आपको यहाँ पर बाहर दिखाई दे सकती हैं। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रच कर आई हैं, पहली भारतीय महिला बनी है, पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है जिन्होंने एक ओलंपिक के एडिशन में दो दो मेडल हासिल किए हैं। ये द्वार जहां से मनु भाकर आपको दिखाई देंगे। और ये लीजिए मनु भाकर आ चुकी है यहाँ पर। मनु भाकर को कंधों पर उठाकर बाहर लाया गया है। ये लाइव विजुअल्स हैं, वो मेडल्स आप मनु भाकर के हाथ में देख सकते हैं, वो मेडल्स आप मनु भाकर के गले में देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें, बारिश भी हो रही है यहाँ पर लेकिन सेलिब्रेशन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये उनके पीछे कोच जसपाल राणा, आगे मनु भाकर, तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जिस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है, जिस तरीके से इस बारिश में भी यहाँ पर लोग मनु भाकर का वेलकम करने आए हैं। ये शानदार विजुअल्स, ये शानदार तस्वीरें यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 की हमारी सबसे शानदार खिलाड़ी, दो मेडल सिंगल एडिशन ऑफ ओलंपिक्स में। मनु भाकर के चेहरे पर वो स्माइल, उनके माता पिता का सर गर्व से ऊंचा, भारत की बेटी इतिहास रचकर लौट रही है अपने देश। मनु भाकर यहाँ पर करिश्मा कर अपने देश पहली बार लौटी है। बता दें कि दोबारा से मनु भाकर अभी पेरिस जाएंगी क्योंकि क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर फ्लैग बियर रह रहे हैं भारत की तरफ से, वो झंडा भारत का मनु भाकर ही लेकर जाएंगी। और ये तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, मनु भाकर और उनके कोच जसपाल राणा यहाँ पर मौजूद। और अभी थोड़ी देर पहले उनकी फ्लाइट लैंड हुई और वहां से आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें यहाँ पर मनु भाकर को, आप उनको कंधों पर उठाया गया है, उनके कोच जसपाल राणा को कंधों पर उठाया गया है और दोनों की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रचा है। मनु अपना दोनों मेडल्स दिखाती हुई यहाँ पर क्राउड का अभिनंदन स्वीकार करती हुई मनु भाकर आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मनु भाकर आई हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 से। और ये देखिए, ये है जसपाल राणा के पिता जो आपकी स्क्रीन पर ये टोपी में दिखाई दे रहे हैं और उनके पीछे जसपाल राणा और सामने मनु भाकर, तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर। मीडिया लोग, जितने भी लोग हैं, सबका अभिनंदन स्वीकार करते हुए मनु भाकर लगातार आप अपनी स्क्रीन पर वो विजुअल्स देख रहे हैं। मनु भाकर इतिहास रचकर आई है, बारिश हो रही है लेकिन फिर भी ये सेलिब्रेशन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। शानदार विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर, ये मनु भाकर अपने कोच जसपाल राणा के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.